आपको सीधे लिए चलते हैं रोहनिया, जहां पर नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं चुनावी सभा को संबोधित करने। तो थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी लोगों को जब संबोधित करेंगे तो एक बार फिर से आपको वहां लिए चलेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, सूत्रों की माने तो जिस सुरक्षा कारणों का हवाला देकर मोदी की बेनियाबाग की रैली रद्द की गई, उसके बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी ने कोई खास जानकारी सरकार को नहीं दी थी। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर गुजरात पुलिस ने वाराणसी में मोदी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, लेकिन सवाल उठता है कि जब बेनियाबाग को लेकर आईबी ने कोई खास सूचना या अलर्ट सरकार को दिया ही नहीं, तो फिर मोदी की रैली की इजाजत क्यों नहीं दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आईबी की तरफ से किसी भी तरह की जानकारी अलर्ट घोषित नहीं किया गया था, सरकार को ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी की रैली पर जिस तरह से बेनियाबाग में रोक लगा दी गई है, अब उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। आईबी ने सरकार को किसी भी तरह की जानकारी या रिपोर्ट नहीं दी थी। और अहमदाबाद से हमारे संवाददाता गोपी घंगर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोपी, जाहिर सी बात है, अब जो ये खबर पुख्ता तौर पर और सामने आ गई है कि आईबी की तरफ से किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई थी सरकार को, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में नरेंद्र मोदी की रैली वहां पर ना होने देना या सभा ना होने देना, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और सवाल प्रशासन पर और राज्य सरकार पर सीधे तौर पर। बिल्कुल, हम कह सकते हैं श्वेता कि ये राज्य सरकार और प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर आप देखने जाए तो वाराणसी में जब नरेंद्र मोदी ने नॉमिनेशन अपना फाइल किया था, तब उन्होंने एक बड़ी सी रैली निकाली, हालांकि उस वक्त भी कोई आईबी इनपुट नहीं था। और आज भी जो हमारी यहाँ पे राज्य सरकार से बातचीत हुई है, उनके मुताबिक किसी तरह का वाराणसी को लेकर कोई पर्टिकुलर आईबी इनपुट नहीं दिया गया था। हाँ, ये बात जरूर है कि नरेंद्र मोदी जब बिहार में उन्होंने रैली की थी और उसमें जब बम धमाके हुए थे, उसके बाद गुजरात सरकार काफी सतर्क हो गई है और गुजरात सरकार की पुलिस टीम हर बार जहां पर भी मोदी अपनी रैली करने के लिए जाते हैं, वहां पर गुजरात सरकार की अपनी खुद की एक टीम रहती है पूरी मोदी की जो सिक्योरिटी रहती है उसको मॉनिटर करने के लिए। श्वेता, बिल्कुल गोपी, लेकिन उसके बावजूद जो पटना में हुआ था उसके बाद भी कई रैलियां कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, उससे भी बड़ी बड़ी रैलियां कर चुके हैं, और ऐसे में बेनियाबाग में अब जाकर, जबकि दो दिन के बाद प्रचार भी खत्म हो जाना है, ऐसे में इसे रोक देना बड़ा सवाल खड़ा करता ही है। और इसे लेकर चुनाव आयोग जो है उसे भी निशाने पर लिया है बीजेपी ने सीधे तौर पर। बिल्कुल श्वेता, इसे हम कह सकते हैं कि बीजेपी को निशाने पे लिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों पहले ही नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ पूरे देश में रैलियां की है, इतना ही नहीं, उन्होंने वाराणसी में एक बड़ा सा रोड शो भी किया था जिस दिन उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। जो पुलिस से बात हुई है, पुलिस के मुताबिक अगर कुछ भी होना होता तो वाराणसी का वो जो रोड शो था वो ज्यादा, अगर आतंकवादी प्रवृत्ति वहां पे कुछ भी करनी होती तो ज्यादा इजी था, लेकिन वहां पे जब रोड शो में कुछ नहीं हो पाया तो अब जब मोदी वहां पे पब्लिक मीटिंग करने जा रहे थे तो उससे लेकर किसी भी तरीके का कोई आईबी इनपुट नहीं था पुलिस के पास। हालांकि पुलिस लगातार मोदी की सुरक्षा को लेकर चौकन्नी हो गई है, जब से यासीन भटकल की गिरफ्तारी हुई थी और यासीन भटकल ने ये कहा था कि मोदी उनके निशाने पर है, तब से लगातार मोदी जहां पर भी रैली करती है गुजरात पुलिस पहले ही पहुंच जाती है, पूरी जगह का मुआयना खुद गुजरात पुलिस करती है, पूरी तरीके से उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो गुजरात पुलिस उठाती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोपी तमाम जानकारी के लिए। वाकई सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों, जबकि कोई इनपुट नहीं था। आईबी का हवाला देकर रैली रोकने की खबर पर चुनाव आयोग पर बीजेपी चौतरफा हमला कर रही है।